जून 2019 में ब्रिटेन की सबसे बड़ी मैगजीन ब्रिटिश हेरल्ड ने वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल पर्सन को लेकर एक सर्वे किया था। सर्वे में दुनिया की 25 से ज्यादा हस्तियों को शामिल किया गया, जिनमें व्लादिमीर पुतिन, डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग जैसे ताकतवर नेता शामिल थे। सर्वे में प्रधानमंत्री मोदी को सबसे ज्यादा 30.9% वोट मिले, जबकि रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को 29.9% वोट मिले। तीसरे नंबर पर अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 21.9% लोगों ने पसंद किया, वहीं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को महज 18.1% वोट मिल पाए थे। यानी प्रधानमंत्री मोदी जिनपिंग से 10% से ज्यादा वोट से आगे थे। एक साल बाद आज ये फासला हजार गुना हो चुका है। प्रधानमंत्री मोदी की तरक्की वाली सोच, नजरिया और देश के लिए समर्पण का प्रण ही है कि आज हमारी सरहदों की तरफ आंख उठाने से पहले ही चीन और पाकिस्तान जैसे दुश्मनों को अपनी तबाही का मंजर नजर आने लगता है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए देश की सरहदों के निगहबान हमेशा से पहली प्राथमिकता रहे हैं। यही वजह है कि जब LAC पर जंग का माहौल है, फौज आमने सामने खड़ी है, टैंक और तोपें बारूद उगलने को तैयार हैं, तब हमारे जाबाजों के पास हर वो साजो सामान है जिससे चीन की बर्बादी का अध्याय लिखा जा सकता है। परवाह देश की में इसी का विश्लेषण करेंगे कि कैसे 6 साल के दौरान पीएम मोदी के साहसिक फैसलों ने देश के जाबाजों की ताकत और काबिलियत को कई गुना बढ़ा दिया। इसलिए अगले आधे घंटे तक TV के रिमोट को किनारे रख दीजिए। इस रिपोर्ट का एक एक फ्रेम गौर से देखिए। सरहद पर तैनात शूरवीरों के शौर्य पर आपको फख्र होगा। जिनके सिंहनाद से सहमी, जिनके सिंहनाद से सहमी, धरती रही अभी कलम, आज उनकी जय बोल। तो मैं आज अपनी वाणी से आपकी जय बोलता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। सरहद पर देश के शूरवीरों के साथ राष्ट्र गौरव से ओतप्रोत, एक एक लफ्ज में वतन की हिफाजत के लिए सब कुछ न्योछावर करने का संकल्प, प्रधानमंत्री मोदी की ये हौसला अफजाई है, जिसकी वजह से चीन की शामत आई। सरहद पर जब हमारे जांबाजों की टोली कदम ताल करती है, देश के प्रहरियों के कदम को जब सरहद की माटी नमन करती है, तो फक्र से सीना चौड़ा हो जाता है। संकल्पों का ये वो उजाला है जो 132 करोड़ हिंदुस्तानियों की जिंदगी रोशन करता है। प्रधानमंत्री मोदी के साहसिक फैसलों की ये वो धुरी है जिसके चारों तरफ 21वीं सदी में पूरी दुनिया घूमती है। देश के लिए, वतन की खातिर हर हद तक गुजर जाने का ये वो जज्बा है जिसके आगे शौर्य और पराक्रम के अमिट अध्याय का आगाज होता है। वीर अपने शस्त्र की ताकत से ही धरती की, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। ये धरती वीर भोज्या है, वीरों के लिए है। इसकी रक्षा सुरक्षा को हमारा समर्थ और सामर्थ्य, हमारा संकल्प हिमालय जितना ही ऊंचा है। छह साल पहले दशकों के अंधेरों, अवरोधों और अक्षमताओं से संघर्ष करने की जो सार्थक मुहिम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में शुरू हुई, तब से लगातार देश में अनूठा और विलक्षण इतिहास बन रहा है। तारीख की तालीम से तजुर्बा लेकर वर्तमान की चुनौतियों से निपटने का रास्ता निकालते हुए आज देश दुनिया की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है।
यही वजह है कि चीन जैसे चांडाल मुल्क की हेकड़ी हवा हो चुकी है। यही वजह है सरहद पर आज जांबाजों का हौसला अंतरिक्ष से भी हाई है। लेकिन क्या ये इतना आसान था? जो चीन हमेशा झूठी ताकत का दंभ भरता रहता है, जिस शी जिनपिंग के शागिर्द हमेशा हवाबाजी करते रहते हैं, आखिरकार कैसे ये हालत आ गई कि हम जो हैं वो डोमिनेंस पर हैं और वो अब हमारे सामने गिड़गिड़ा रहे हैं, ये जानना भी बेहद जरूरी है। ये प्रधानमंत्री मोदी की सोच, दूरदर्शिता और देश की हिफाजत के लिए प्रतिबद्धता ही है, जिसकी बदौलत आज न सिर्फ देश की सरहदें महफूज हैं, बल्कि सरहद पर तैनात जवान भी दुनिया के आधुनिकतम हथियारों से लैस हैं। पिछले 6 साल के दौरान देश की सेना की ताकत कैसे बढ़ी, इसे सिलसिलेवार तरीके से समझिए। सबसे पहले बात राफेल फाइटर प्लेन की। साल 2016 में फ्रांस से 58,000 करोड़ रुपए में 36 राफेल फाइटर प्लेन की डील की गई, जिनमें से 5 राफेल प्लेन देश को मिल चुके हैं, बाकी के फाइटर प्लेन भी जल्द मिलने वाले हैं। अब बात अपाचे हेलीकॉप्टर की। साल 2015 में अमेरिका से करीब 4,168 करोड़ रुपए का सौदा किया गया, जिसके तहत 22 अपाचे हेलीकॉप्टर भारत को सौंपने की डील हुई। 8 हेलीकॉप्टर एयरफोर्स में शामिल हो चुके हैं और लद्दाख में चीनियों की चतुराई को हवा कर रहे हैं। अपाचे हेलीकॉप्टर के साथ साथ अमेरिका से चिनुक हेलीकॉप्टर की भी डील की गई, जिसके तहत भारत को 15 चिनुक हेलीकॉप्टर अमेरिका देने वाला था। इनमें से 4 हेलीकॉप्टर मिल चुके हैं, जिनकी तैनाती भी लद्दाख में की गई है। News Top 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।